एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हम इस जो ये जनरल साइंस वाली सीरीज है इसको कंटिन्यूटी में रहेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा 1000+ क्वेश्चंस, तो ये जो सीरीज है हमारी चलती रहेगी वीकली। मैं एक वीडियो तो इसकी ज़रूरी लाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी सब एग्जाम्स में से फोर फाइव से लेकर के आगे, मतलब इनका जो नंबर है वो वेरी करता है डिफरेंट एग्जाम्स में, लेकिन 4-5 तो आप लोगों से पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये भी हम बीच बीच में डिस्कस किया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में जम जाता है, बन जाता है, तो क्या होता है फिर? यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका मसल क्रैम्प्स। जब भी हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो फिर आपको मसल क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन होती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप लोग किसी तरह की हैवी एक्सरसाइज करते हो तो फिर आप लोगों को ऐसे दर्द सा महसूस होने लगता है, ऐंठन सी महसूस होने लगती है शरीर में। वो किस वजह से होता है? वो आपके लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। आपकी बॉडी में जब उसका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो बॉडी हमारी क्या करेगी फिर? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो फिर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी को यूज़ करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लॉ के ऊपर लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट डिपेंड करता है? रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो निर्भर करता है। देखिए, वैसे तो मैंने मास्टर्स तक जो साइंस है अपनी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि हिंदी वालों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो कंपैरेटिवली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये आपका डिपेंड करता है यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी क्रिया होती है तो उसके लिए उतनी ही और बराबर से प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये आपका कैसे काम करता है? आपका जो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट है, रॉकेट इंजन जो है, क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से ही जोर को पैदा करता है। जैसे कि जो इंजन है वो गर्म गैसों को बाहर निकालता है, जो कि इंजन का जो पिछला हिस्सा होता है उससे बाहर निकलती है, फिर इसके बाद जो रिएक्शन होता है तो उसमें थ्रस्टिंग बल पैदा होता है। इस तरह से ये उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, राइजिंग ऑफ ऑयल इन अ लैम्प कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। आप लोगों को पता है कि जैसे ये फॉर एग्जाम्पल लैम्प है, ये एक ऊपर बत्ती है, इसकी ऑयल यहाँ पर डाला होता है, ऐसे बत्ती डाली होती है, तो ये कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है? इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यानी केशिका क्रिया, ठीक है, सेकेंड वाला ये केशिका क्रिया। विकिंग भी इसको बोलते हैं हम लोग, विकिंग, कैपिलरी राइज, कैपिलरी इफेक्ट, केशिका प्रभाव। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में से नीचे से पानी जाएगा तो ये किस तरह से जाता है नीचे से, तो ये भी एक तरह का कैपिलरी रिएक्शन ही, कैपिलरी एक्शन ही होता है नीचे से ऊपर को पानी जाना, ठीक। इसी तरह से ऑयल भी जाता है। नेक्स्ट, वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अल्कोहल और पानी को अगर आपने मिक्सचर सेपरेट करना है तो आप उसको कैसे करोगे? उस प्रोसेस का नाम क्या है पानी और अल्कोहल को? तो ये आपका यहाँ पर आ गया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक लिक्विड है, पहले तो इसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे अपन, फिर वेपर में कन्वर्ट करने के बाद इसको दोबारा से कंडेंस करके यानी संघनन की प्रक्रिया से इसको हम लोग फिर लिक्विड में करेंगे कन्वर्ट। नेक्स्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड जनरेट। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपके एच पॉजिटिव आयन। कोई भी केमिकल जो एच पॉजिटिव आयन देता है पानी में और सर्टेन मेटल के साथ जुड़ करके सॉल्ट्स बनाता है तो वो फिर आपके होते हैं एसिड्स। नेक्स्ट, लाइम स्टोन एंड क्ले आर स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस। लाइम स्टोन और क्ले को स्ट्रांगली हम बहुत ज़्यादा गर्म किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं? सीमेंट। लाइम स्टोन और क्ले से क्या बनता है? सीमेंट। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द हिमाचल के ही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा लाइम स्टोन मिलता है? कॉमेंट सेक्शन में बताना नीचे। ड्यू टू एंड, अच्छा इस क्वेश्चन को रहने देते हैं बिकॉज आगे एक इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करके पूछा गया है तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल।
प्लांट सेल में क्या है, इनमें से क्या ऐसी चीज़ें जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर है इसका सेल वॉल। अब देखो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में वो नहीं होती है, और एनिमल सेल में नहीं होती है, एनिमल्स को ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट सेल जो होते हैं उनको सपोर्ट और रिजिडिटी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। सेल स्ट्रक्चर रिजेंबल, जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से रिजेंबल होता है, तो ये होता है आपका ब्रिक्स इन बिल्डिंग, बिल्डिंग्स में जो ईंटें लगी होती है उस तरह से आपकी कोशिका की संरचना मिलती जुलती है। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हैं आपके प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं? आपके प्रोटीन्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी लंग्स आर लोकेटेड? लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं आपके? लंग्स आपके लोकेटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट का आपका वो वाला एरिया जहाँ पर आपके ये ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, वक्ष गुहा उस स्थान का नाम है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा। हाँ, यहाँ पर वैक्षिक छिद्र, गूगल जो ट्रांसलेट है ना वो थोड़े से मीनिंग को अलग अलग भी कर देता है। तो वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी जो है आपकी, इसमें आपके फेफड़े और अदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू, जब दूध को मथा जाता है तो उसमें से जो मलाई है वो किस कारण की वजह से अलग हो जाती है, तो ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपकी अलग हो जाती है दूध में से मलाई, जब दूध को मथते हैं हम लोग तो। नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर, बिकॉज सी वाटर में जो स्विम करना है वो ज़्यादा आसान क्यों है रिवर वाटर के कंपेरिजन में, तो ये आपका इसलिए आसान है क्योंकि देखो आप लोगों को पता ही है कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, खारा होता है यानी कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, जब इसमें ये नमक बहुत ज़्यादा होता है, सेलिनिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस पानी की जो डेंसिटी है वो भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, तो जब भी कोई आदमी इस पे तैरता है तो उसको अपथ्रस्ट फोर्स वो ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करता है उसकी बॉडी को, तो तैरना जो है वो आसान रहता है, नीचे से उसको डेंसिटी यानी अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो ज़्यादा मिलती है नदी के पानी के कंपैरेटिवली, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, डेंसिटी बड़ी होती है, तो इस वजह से तैरना यहाँ पर आदमी का आसान होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड इज अ, ब्लड क्या है आपका? ब्लड आपका है एक कनेक्टिव टिश्यू, क्या है ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका सेल्स होता है, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि एक प्लाज्मा में, प्लाज्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, कोशिकाएं और कोशिका के टुकड़े जो होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा में मर्ज्ड होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये आ गया वो क्वेश्चन यहाँ पर, If cells are kept in some solution and the net result is that cell swells up, then the solution is called as. अच्छा, एक cells को अगर हम इस तरह के solution में रखते हैं, ये cells है आपके, ये solution है, ये इन cells को अगर हम इस तरह के solution में रखते हैं कि ये cell जो है आपके फूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा solution है ये क्या है यहाँ पर, hypotonic है, ठीक है, hypotonic solution है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर इसका सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि अगर सेल्स को इस तरह के सॉल्यूशन में रखा जाए कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये सेल है अगर ये श्रिंक हो जाएगा तो इट मींस ये यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपो का कम मतलब होता है और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अनदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं अमेंसिलिज्म नहीं, इसका बोलते हैं हम लोग अमेंसिलिज्म। जैसे कि एक मैंगो ट्री होता है ना, मैंगो ट्री के ऊपर बेल होती है, एक बेल चढ़ी होती है कई बारी, तो वो क्या होता है, अमेंसिलिज्म का एक एग्जांपल है, क्योंकि बेल को सहारा मिल रहा है रहने के लिए, लेकिन जो मैंगो ट्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तो यहाँ रहे तो ना रहे।
नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज, वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वायरोलॉजी. वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, अमीबा जो है अपना खाना कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, तो ये अपना फूड डाइजेस्ट करता है आपके फूड वैक्यूल में. कहाँ पर? फूड वैक्यूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ फ्लावर, फूल के बीच में जो एक येलो डस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? अरे वो पॉलन होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा. सबसे इसका सही एग्जाम्पल है देखने का, अगर किसी ने कद्दू की बेल देखी होगी तो, ठीक है, कद्दू की जो कद्दू के जो फूल होते हैं उसमें बड़े बड़े फूल लगे होते हैं और इतने अच्छे सही तरीके से पॉलन्स और ये पॉलन डस्ट उसमें दिखती है, आप हाथ में देख सकते हो पॉलन डस्ट, बड़ी खूबसूरत तरीके से उसमें पॉलन और पॉलन डस्ट को आप देख सकते हो. जिसके घर में कद्दू की बेल लगी होगी वो देख लेना, जिनको नहीं पता होगा तो. कौन सा ऐसा प्लांट है जो लेटेक्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, तो ये आपका लेटेक्स को प्रोड्यूस करता है यहाँ पर, रबर प्लांट. यूस्टेकियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपकी ईयर में लोकेटेड होती है यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है. एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है, ये संतुलित करती है, हवा का जो दबाव होता है कानों में उसको संतुलित करती है. लिटिल ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिटिल ब्रेन को क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है. विच ऑफ फॉलोइंग इज एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है यानी खाने योग्य जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म, कोकोनट का खाने वाले भाग को. अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू देन द पीएच इज लाइकली, अच्छा अगर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करना हो तो उसके लिए फिर उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 10, जैसे 1 हो गया 7 हो गया, 7 ऑनवर्ड्स 10 में बताऊँ, 1 से 7 तक यहाँ पर आपका एसिड आ जाएगा, ये न्यूट्रल आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर बेसिक आ जाएगा कोई भी सॉल्यूशन. ब्लड ग्रुप ए बी हैज, जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, नो एंटीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एमसीक्यूज जो हैं वो तो आपके यहीं पर खत्म हो गए, अब मतलब आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में, लेकिन अब आगे जो आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर होगी वो है एक डिटेल्ड टॉपिक पर. कोशिश करूंगी हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक डिटेल टॉपिक भी डिस्कस करें, बिकॉज आप लोगों को थोड़ा डिटेल में भी पता होने चीज़ें ज़रूरी है. तो जल्दी देखिए इस क्लिप को और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. हमारा जो टॉपिक है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, यानी कि दृष्टि दोष. अब कितनी तरह के होते हैं, मोस्ट कॉमनली ये 4 तरह के होते हैं, एक तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस जिसे कहते हैं, प्रेस बायोपिया और एस्टिगमेटिज्म. अब देखो हिंदी में भी बोला है मैंने, तो मैं हिंदी में भी बताऊंगी आप लोगों को इसके बारे में. मायोपिया जिसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, जैसे इनका नाम है ना उससे अपोजिट ये होते हैं, पहले आप लोगों को ये याद रखना है. जैसे कि जो मायोपिया है इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस दोष के हो जाने से आप लोगों को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेंगी. बेसिकली जिन भी लोगों को मायोपिया होता है उन लोगों को नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उनको धुंधली दिखती हैं. तो इसलिए जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट होते हैं ये, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको ये नहीं देख पाते हैं, जो नज़दीक वाले होते हैं उस चीज़ को ये क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है. क्या रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष हो जाता है? 2 पॉसिबल रीज़न इसके लिए बताए जाते हैं. पहला तो ये है कि जो आपकी आई बॉल है यानी कि जो नेत्र गोलक है उसका साइज बढ़ जाता है. अगर जब उसका साइज बढ़ जाता है इसका मतलब कि जो रेटिना और आई लेंस यानी नेत्र लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है, इस वजह से ये होता है. सेकंड चीज क्या है, जब भी आपकी आंखें फुल्ली रिलैक्स होती है यानी कि पूरी तरह से शिथिल होती है तो जो आई लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल दूरी, वो घट जाती है. तो ये 2 कारण हम लोगों ने देख लिए. पहला तो ये कि जो आई बॉल है नेत्र गोलक उसका साइज बढ़ जाता है, दैट इज कि डिस्टेंस जो रेटिना की आई लेंस से है वो बढ़ जाती है, नेत्र लेंस से रेटिना की जो दूरी है.
सेकंड हो गया कि जब भी आपकी आंखें पूरी तरह से फुल्ली रिलैक्स्ड होती हैं, यानी कि शिथिल होती हैं पूरी तरह से, उस समय पर आप लोगों की जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। अब इससे जो क्वेश्चन आने की संभावना है, पहले तो मायोपिया या फिर जो शॉर्ट साइटेडनेस है इसके बारे में ही आप लोगों को आ जाएगा कि जब भी कोई पर्सन दूर का ब्लर्ड विजन होता है किसी का, दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, और तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं उसे, निकट दृष्टि दोष। और सेकंड चीज, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो पॉसिबल कॉजेज हैं इसके डिफेक्ट के वो क्या क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया जा सकता है आप लोगों को कि क्या होता है जब भी आपको मायोपिया होता है, तो क्या जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है जब आपकी आंखें फुल्ली रिलैक्स्ड होती हैं। तो इन कॉजेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपको ये मायोपिया अगर आप लोगों को करेक्ट करना है, सही करना है किसी भी पर्सन का, कौन से स्पेक्टेकल्स आप लोग पहनोगे या किस तरह का जो लेंस है उसको पहन करके आप इसे ठीक कर सकते हो, तो उसका आंसर आप लोगों का यहाँ पर होगा कनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। कनकेव लेंस के स्पेक्टिकल, कनकेव लेंस के चश्मे जब आप लोग पहनोगे तो आप मायोपिया को या फिर निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष, वो भी अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट है और मायोपिया के बिल्कुल अपोजिट हैं इसकी सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें जो लोग हैं उनको दूर की चीज़ें तो क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जो उनके पास की चीज़ें होती हैं ना वो उनको क्लियरली नहीं दिख पाती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जब वो सुई में धागा डालते हैं ना तो उनको सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत आती है, जबकि वो नॉर्मली मतलब जो उनकी दूर की चीज़ें होती हैं उनको तो सही से देख पा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुई में धागा डालते हैं ना उनको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे लोगों को हुआ होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिससे वो नज़दीक की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की जो नज़दीक की चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाते हैं। तो इसके रीज़न क्या क्या हैं, ये भी टोटल अपोजिट है मायोपिया के रीज़न से। दो तरह के कॉजेज हैं इस डिफेक्ट के। पहला तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ आई बॉल, जो आपका नेत्र गोलक है आई बॉल, इसके साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, यानी कि वो छोटा हो जाता है। क्या मतलब है इसका, कि जो रेटिना की आई लेंस से, नेत्र लेंस से रेटिना की जो दूरी है वो डिक्रीज हो जाती है। सेम उसमें क्या था, उसमें इंक्रीज हो गया था, आई बॉल का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया था और जो रेटिना और आई लेंस की जो लेंथ थी वो भी बढ़ गई थी, ठीक है। इस वजह से हुआ था मायोपिया, और ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ये इसका टोटल अपोजिट है। सेकेंड आ गया इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस when the eyes is fully relaxed। अब देखो उसमें हमने कहा था कि जब भी आंखें शिथिल होती है मायोपिया में तो जो फोकल लेंथ है हमारी, जो फोकल दूरी आई लेंस की, वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब भी आपकी आंखें फुल्ली रिलैक्स्ड है, पूरी तरह से शिथिल है, तो जो फोकल दूरी है आई लेंस की उसकी फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बढ़ जाती है हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट आ गया, अब इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अपना हाइपरमेट्रोपिक आंख का जो डिफेक्ट है उसे सही करना है तो वो कैसे स्पेक्टेकल्स पहनेंगे, किस तरह के चश्मे पहनेंगे, कन्वेक्स लेंस के, उत्तल लेंस के चश्मे पहनेंगे, तभी इस वजह से उत्तल लेंस के चश्मे पहन करके वो अपना डिफेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस इसमें भी सेम ही बनेंगे, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, और इसके जो पॉसिबल कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, थर्ड क्या किस तरह के लेंसेज हम यूज करेंगे इसको सही करने के लिए, तो कन्वेक्स लेंसेज को सही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रेस बायोपिया। अब ये जो प्रेस बायोपिया है ना, ये बढ़ती एज के साथ होता है, मतलब जो भी लोग बुजुर्ग हो गए हैं उन लोगों को ये ज्यादा होता है। कि होता क्या है कि जब भी आपकी एज बढ़ती है तो आंखों के लेंस को पकड़ने वाली जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, हमारे सिलियरी मसल्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो लेंस है अपनी कुछ इलास्टिसिटी, यानी कि अपनी जो थोड़ी सी लचक है, उसे खो देता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी जो आंखों की समज्जन क्षमता होती है, यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है आंखों की, वो भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एज के साथ। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब इसको रीजन क्या है, इसका रीजन तो वही है कि बढ़ती एज के साथ आप लोगों को ये होता है, क्योंकि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। इसको सही करने के लिए कौन सा, किस तरह के स्पेक्टेकल्स आप यूज करोगे, इसको सही करने के लिए आप लोग बाईफोकल लेंसेज
विद अ डाइवर्जिंग टॉप एंड कन्वर्जिंग बॉटम इन्हें यूज करते हैं, यानी कि द्वि फोकसी लेंस अपसारी शीर्ष और अभिसारी के तल के साथ इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया एस्टिगमेटिज्म या दृष्टि वैषम्य। देखो अब क्या होता है ना, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हो, ये आपको एक लाइन वाली फिगर्स दे रखी है, ठीक है। अगर आपकी जो नॉर्मल आंखें हैं उनको तो ये इक्वली ब्लैक दिखेंगी, पूरी की पूरी जो इक्वली ब्लैक दिखेंगी, लेकिन जिस भी पर्सन की एस्टिगमेटिक आई है यानी कि दृष्टि वैषम्य आंखें हैं उनको विभिन्न रेखाओं की तीव्रता में भी भिन्नता पाएंगी। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो वर्टिकल लाइंस नहीं देख पाते हैं, वर्टिकल्स लाइन उनको नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखाओं को देख सकते हैं। क्यों होता है ये? अगर आपका जो कॉर्निया है उसकी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वक्रता होने पर ये दोष उत्पन्न होता है। यानी कि जो कॉर्निया है हमारा, अगर उसका डिफरेंट कर्वेचर है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ही ये दोष उत्पन्न होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि किस तरह से इसे करेक्ट किया जाएगा। एस्टिगमेटिज्म को करेक्ट करने के लिए आप लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज करते हो, सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ सूटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सूटेबल एक्सिस, यानी कि वक्रता की उपयुक्त त्रिज्या के बेलनकार लेंस द्वारा दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है। तो ये हमने चार इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन देखे कि किस किस तरह के होते हैं, और ये भी देखा कि इनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में शॉर्ट में इनका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखे डिफेक्ट ऑफ विजन कितने होते हैं, चार होते हैं। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस या फिर निकट दृष्टि दोष भी जिसे कहते हैं, आप लोगों को इसमें नजदीक की चीजें तो दिखेंगी लेकिन दूर की चीजें आप लोगों को नहीं दिखेंगी। और रीजन क्या क्या बताया हमने, रीजन ये बताया कि जो आपका नेत्र गोलक होता है आई बॉल उसकी साइज में इंक्रीज हो जाता है और रेटिना और आई लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। सेकंड रीजन इसका यह है कि जो आई लेंस, जब भी आपकी आंखें फुल्ली रिलैक्स्ड होती है पूरी तरह से शिथिल होती है तो जो आई लेंस की फोकल दूरी है वो कम हो जाती है। ठीक किया जा सकता है इसे कनकेव लेंस से यानी कि अवतल लेंस से। नेक्स्ट आ गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष। इसमें लोगों को क्या होगा, दूर का तो दिखेगा लेकिन नजदीक का उनको नहीं दिखता है। दो रीजन इसके हैं, आपकी जो आई बॉल है नेत्र गोलक साइज में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस जो होती है रेटिना की आई लेंस से वो भी कम हो जाती है। सेकेंड क्या होता है, जब भी आंखें आपकी फुल्ली रिलैक्स्ड होती हैं तो जो फोकल लेंथ है हमारी आई लेंस की वो बढ़ जाती है। करेक्ट कैसे करोगे, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर इसे सही कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वही है कि जब भी आप लोगों की उम्र बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारी सिलियरी मसल कमजोर हो जाती हैं, अपनी इलास्टिसिटी यानी कि अपनी लचक को खो देती हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आंखों की वो भी कम हो जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रेस बायोपिया, और जिसे बाइफोकल लेंस को विद अ डाइवर्जिंग टॉप एंड कन्वर्जिंग बॉटम ये पहनकर के आप इसे सही कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आ गया आपका एस्टिगमेटिज्म, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है वर्टिकल लाइंस को देखने में और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखाओं को ही देख सकते हैं। इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस को यूज करके इसे हम सही कर सकते हैं। आज के हमारे इस जनरल साइंस के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इतना ही। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जनरल साइंस की पहली क्लास हमारी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में बताना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज़ है धुरीना ऐप पे जाकर के आप उसे देख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को वहाँ पे मिल रही हैं। एक बार जाकर के डेमो ज़रूर लें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं।